पर दुख पदानेन अत्तन्नो सुखामिच्छन्ति वेर सत्संग संसट्ठो वेरासो न परिमुच्यति। दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वैर से संसर्ग में पड़कर वह वैर से मुक्त नहीं हो पाता। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के रायसेन मंडल के मवासा यहाँ का है। जी हाँ, मवासा ये जो गांव है, इससे पहले हमने आपको मुरेल खुर्द नाम की बौद्ध स्थली दिखाई थी जहाँ पर लगभग 50 से 60 बौद्ध स्तूप और भग्नावशेष हमने दिखाए थे। मतलब बहुत ही बड़ी जगह है और इसके ठीक अपोजिट साइड में, मतलब इसके सामने की दिशा में यहाँ पर हमें, मतलब ये जो मवासा नाम का जो गांव है ये दिखाई देगा। और यहाँ मवासा गांव की ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर बहुत बड़े महाकाय बौद्ध स्तूप के अवशेष साथ ही साथ स्मारकों के अवशेष बिखरे हुए दिखाई देंगे। मतलब इससे पहले आपको मवासा यह जो स्थली है यह आपने देखी नहीं होगी या फिर किसी भी अन्य मीडिया चैनल पर आपने नहीं देखी होगी जहां पर आज हम जाने वाले हैं। यह जो सारा क्षेत्र है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनकी प्रेम विवाहित पत्नी देवी जहां पर वास किया करती थी, मतलब यानी जहां पर देवी रहा करती, मतलब आज का जो सांची का क्षेत्र है प्राचीन काल का चैतगिरी हुआ करता था और बहुत ही समृद्ध यहाँ का सारा क्षेत्र था, लेकिन आज यह महज हमें वीरान दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर चलेंगे, यह जो मवासा गांव है यहाँ पर चलेंगे और मवासा के यह जो महाकाय बौद्ध स्तूप के जो अवशेष जो आज बचे कुचे हैं वह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। मवासा यह प्राचीन स्थली निहालपुर ग्राम के दायरे में आती है। पहाड़ी के निचले स्तर पर स्थित विहारों के मलबों के कारण इसे आत्री और कचेरी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थली तक आने हेतु पक्का रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह प्राचीन स्थली तीन स्तरों में विभाजित है। निचले हिस्से में 20 मीटर इतना लंबा और 20 मीटर इतना चौड़ा स्मारक स्थित है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर इतनी है। दूसरे स्तर पर पहाड़ी के मध्य में जहां 30 मीटर इतना लंबा और 17 मीटर इतना चौड़ा स्मारक स्थित है, यहां मुख्य स्तूप 1.5 मीटर इतना ऊंचा और 7.5 मीटर इसका व्यास है। साथ ही इस स्थली पर सन 2000 में एक शिलालेख पाया गया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल यह स्मारक अपनी अंतिम सांस लेते हुए दिखाई पड़ता है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के रायसेन मंडल के मवासा नाम का जो गांव है यहाँ पर जो स्मारक स्थित है उस स्मारक के पास हम आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर इस गांव के पिछले हिस्से में ये जो पहाड़ी है मवासा पहाड़ी, इस मवासा पहाड़ी के यहाँ पर निचले छोर पर मतलब जहाँ पर स्तूप स्थित है उससे पहले एक बहुत बड़ा जो स्मारक है जो पुराना मतलब भव्य ऐसा संगाराम जो है यहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर यहाँ के ग्रामस्थ भी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ देखिए और इसकी जो स्मारक की विशालता देखिए, अब
बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल स्मारक है। जिस प्रकार से मुरेल खुर्द यहाँ के स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया, मतलब अभी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर अनगिनत ऐसे लगभग 60 से 70 की संख्या में स्तूप स्थित हैं और उनका निर्माण कार्य जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके काल में हुआ है। और ये जो स्मारक अभी हम देख पा रहे हैं, ये स्मारक का भी निर्माण लगभग इस आज से 2300 साल पूर्व हुआ है और ये भव्य ऐसा स्मारक है। यहाँ पर ग्रामस्थ भी है। ये क्या कहते हो अब इस स्थान को, मंदिर कब का बताया जाता है आपको? बहुत पुराना बताया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये स्मारक है और इस स्मारक की नींव देखिए बहुत विशालतम, ये पूरा स्मारक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा ये खंडित है फिलहाल। ये देखिए ये खंडित स्मारक, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा जो ये विहार का जो मलबा है वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से इस विहार के मलबे के यहाँ से भी हम देखिए इसका पिछला हिस्सा भी, मतलब पूरा ये जो अभी झाड़ी से भरा हुआ है और बहुत बड़ा है, अति विशाल ऐसा है। मतलब भारत में जो मंदिर हम देखते हैं उसमें से जो मंदिर यानी जो शैली स्थापत्य शैली है, अमूमन जो टेम्पल शैली है वो मतलब जब मतलब बुद्धिज़्म में जब स्तूपों का निर्माण कार्य किया जा रहा था तभी से बड़े पैमाने में डेवलप हुई थी और उसी में से यहाँ पर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने में इस प्रकार के जो स्थापत्य है वह निर्माण किए गए थे। देखिए अभी हम यहाँ से नीचे चलेंगे और यहाँ का जो मुख्य स्तूप है या फिर मुख्य जो स्थल है यहाँ का वह देखेंगे, जहाँ पर एक शिलालेख भी पाया गया था यहाँ पर के जो दानदाता है जिन्होंने इस स्थली पर स्मारक बनाने हेतु दान दिया है। देखिए यहाँ पर एक आधुनिक श्मशान है। इस श्मशान के यहाँ से ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा कच्चा रास्ता है और इस कच्चे रास्ते से लगभग 15 से 20 मिनट की चढ़ाई हमें करनी पड़ती है और लगभग 15 से 20 मिनट की चढ़ाई कर हम यहाँ पर का जो ऊपर का जो स्मारक है, मतलब इस स्थली पर का मवासा का यह महाकाय ऐसा बौद्ध स्तूप जो है या फिर जो स्मारक है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के जो स्मारक है शायद से आपको दिखाए गए होंगे। लेकिन इस चैनल का मकसद है, अगर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने 84,000 स्तूप निर्माण किए हैं तो वे 84,000 जो स्तूप है वे मूलतः कहाँ पर है, किस हालत में है, तो अभी उसकी मतलब फिलहाल वास्तव में वो कैसा है वह दिखाने का जो जिम्मा है इस चैनल ने लिया है, उसके लिए इस चैनल द्वारा अपना जो पूरा जीवन है वह समर्पित किया गया। तो देखिए इसी प्रकार से हम आने वाले समय में पूरे देश भर में के और साथ ही साथ पूरे प्राचीन जम्बूद्वीप के यह जो स्मारक है यह आपके सामने रखने की कोशिश हम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार का रास्ता है और लगभग हमें 10 मिनट चलना पड़ेगा और आगे जाके एक स्मारक के जो मलबे हैं वह दिखाई देंगे और उसके आगे 5 मिनट की दूरी पर यह स्मारक स्थित है। चलिए और ऊपरी हिस्से में यहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक था, मतलब यहाँ पर भी बहुत बड़ा विहार था और उस विहार का जो मलबा है यहाँ पर हमें बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस विहार का जो मलबा है वह हमें दबा हुआ दिखाई देता है। चलिए ऊपर के हिस्से में जाना है हमें और समय बहुत कम है। आइए, बढ़ेंगे अभी ऊपर। समय के साथ हमारा गौरव डूबता जा रहा है, शायद यह वक्त की मांग हो, क्योंकि लोगों ने इस विरासत की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है। ज्यादातर बौद्ध स्थल पर्यटन के अभाव से उपेक्षित है या धर्म के नाम पर विकास से मीलों दूर है। 2300 वर्ष पूर्व यह स्मारक पवित्र भाव से पूरी मानवता के उत्थान हेतु दान एवं समर्पित किए गए थे, लेकिन लोगों ने
आज खुद को विशिष्ट विचारधारा और धर्म के साथ जोड़ते हुए इन स्मारकों की पहचान खो दी है। देखिए, अभी हम इस प्राचीन महाकाय बौद्ध स्तूप के पास आए हुए। देखिए, इसके जो भग्नावशेष हैं, मतलब यहाँ पर जो बाउंड्री हुआ करती थी, उस बाउंड्री के भग्नावशेष और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे स्तूप थे, उसके अवशेष आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये देखिए, ये स्मारक देखिए, इस प्रकार से पूरा जो है खंडित हो चुका है। ये महाकाय जो स्तूप है, देखिए, बहुत विशाल था और सांची का जिस प्रकार से बौद्ध स्तूप है, ठीक उसी प्रकार से यह जो बौद्ध स्तूप है यह था। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें, तब इधर से आ जाओ। देखिए, यहाँ पर इस स्तूप के जो मुख्य मलबा है, इस मुख्य मलबे के पास हम आए हुए हैं। ये देखिए, ये स्तूप देखिए आप, और इसकी विशालता देखिए, किस प्रकार से ये पूरा जो स्तूप है वो ढह गया है। बौद्ध धर्म में ये जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, ये महाकाय स्तूप है, और इस महाकाय स्तूप का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तब हम प्रार्थना में वंदामि चेत्यं सब सब ठाने सुपटीति तं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा, इस प्रकार की प्रार्थना का पठन हम करते हैं। यानी यहाँ पर ये जो स्तूप दिखाई दे रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पर इस प्रकार के स्तूप हो, चैत्य हो, या फिर जहाँ पर भगवान बुद्ध के शरीर धातु है ऐसे स्तूप हो, या फिर बोधि वृक्ष हो, यह सारे के सारे भगवान बुद्ध के रूप है। तो यहाँ पर यह जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, यह स्तूप भी भगवान बुद्ध का रूप है, जो इस प्रकार से आज हमें पूरा भग्न दिखाई दे रहा है। इस महाकाय स्तूप की अब देख पा रहे हो किस प्रकार से दुर्दशा है वो हुई है। सामने की दिशा में यहाँ से हम देखेंगे इस स्तूप के, यहाँ से तो सामने हमें मुरेल खुर्द के प्राचीन बौद्ध स्तूप देखेंगे। देखिए, ये जो चैनल है, इस प्रकार के जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, यह महज वीडियो नहीं बल्कि प्राचीन भारत का इतिहास है। और ये जो इतिहास का पन्ना है, ये आज तक आपको नहीं दिखाया गया, वह पन्ना आपके सामने रखने की कोशिश करें। देखिए, ये जो स्मारक आप देख पा रहे हो, पूरे बच्चे कुचे ढांचे जो है, यहाँ पर इनकी मतलब इनके बारे में जानकारी जो है पहली बार अंग्रेज़ों ने ली थी, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर ये जो सारे स्तूप है ये खोजे गए थे और इनका डॉक्यूमेंट किया गया था, मतलब इनकी जानकारी दी गई थी, यहाँ पर से जो कुछ पाया गया था उसकी भी जानकारी दी गई थी। लेकिन उसके बाद में इन स्तूपों के प्रति यहाँ की जो सरकार है उसका व्यवहार जो है वह सही नहीं है, क्योंकि हम देख पाते हैं सांची जैसे स्तूप को यहाँ पर मतलब अच्छे से उसका प्रिजर्वेशन जो है वो हुआ है, वह जो कुछ प्रिजर्वेशन हुआ है वह भी अंग्रेज अधिकारी जॉन मार्शल इनके माध्यम से हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर यहाँ का स्टेट आर्कियोलॉजी हो, इनके द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पर से इन बौद्ध स्थलों के प्रति जो कार्य है वह किया नहीं गया है। तो ये जो स्मारक है, इस प्रकार से अपनी जो मूल अवस्था है उस मूल अवस्था को ये स्मारक खो बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए, इस स्तूप में से मतलब यहाँ पर से इस प्रकार का जो एक पत्थर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इसी प्रकार का एक पत्थर यहाँ पर पाया गया था और उसके ऊपर म क दे या न क रा पी ते, मतलब यहाँ पर इस प्रकार का जो लेख है, मतलब जो शिलालेख है वह पाया गया था। मतलब ये मकदेया नाम के जो कुछ यहाँ पर अधिकारी होंगे जिनके द्वारा यहाँ पर ये जो स्तूप है स्तूप बनाने के लिए दान दिया गया होगा, उनका यहाँ पर शिलालेख पाया गया था। और उसी प्रकार का शिलालेख श्रीलंका में भी पाया गया है। हम श्रीलंका देख पाते हैं, बौद्ध देश है, और श्रीलंका का जो संबंध है, ये जो पूरा क्षेत्र है प्राचीन काल में चैत्यगिरी नाम से जाना जाता था, तो इस चैत्यगिरी से श्रीलंका का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सतधारा नाम की जो बौद्ध स्थली है, सतधारा यहाँ पर सतधारा यहाँ के जो स्तूप है, स्तूपों के यहाँ पर जो
गुफाएं हैं, उन गुफाओं में यहाँ पर एक पेंटिंग से प्राचीन काल के मतलब जो श्रीलंकन मंक थे उनके द्वारा पेंटिंग की गई थी और श्रीलंका में यहाँ जो लेख है वहाँ पर लिखे गए सतधारा में। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो तो श्रीलंका का जो संबंध है इस स्थली से बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा है, क्योंकि यह जो स्थली है यह श्रीलंका में सबसे जो पूज्य माने जाते हैं थेर महेंद्र यानी जो सम्राट अशोक इनके जो पुत्र भिक्खु महेंद्र है उनको श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध के बाद उनको बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। तो वे यहाँ से आते हैं उसके कारण इस स्थल का जो संबंध है श्रीलंका से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि महेंद्र ही मतलब सम्राट अशोक इनके जो पुत्र है महेंद्र इनके द्वारा ही श्रीलंका में बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और श्रीलंका में बौद्ध धर्म जो है वह सक्रिय हुआ था। उसके कारण ये जो स्थल है यह आम तौर पे अभी जो दिखाई दे रहे ये आम और साधारण नहीं है, बल्कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है और इन स्थलों की जो चेष्टा है यहाँ का जो सरकार है वह करते हुए हमें दिखाई देता है, क्योंकि यह आज इस प्रकार से खंडित है, बिखरे पड़े हुए। अभी हम जहाँ पर आए हुए देखें अभी इस स्तूप का सेंटर पॉइंट है, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ देखिए यहाँ पर इस स्तूप का आप सेंटर पॉइंट देख रहे हो, इसी सेंटर पॉइंट में इसके ऊपर मेदी हुआ करती थी और मेदी के ऊपर यहाँ पर छत मतलब उसके इर्द गिर्द हार्मिका और उसके ऊपर छतावली हुआ करती थी और उसी के नीचे यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के शरीर धातु है या फिर शारीरिक धातु जिन्हें हम कहते हैं जो अस्थियाँ वह रखी जाती थी और ये जो स्तूप का जो निर्माण कार्य है वह पूरा होता था। लेकिन ये स्तूप इसी प्रकार से हमें यहाँ पर खंडित अवस्था में दिखाई देता है, इसे चाहे तो रिस्टोर कर सकते थे लेकिन इसे किसी भी प्रकार से रिस्टोर नहीं किया गया। तो देखिए साथियों इसी प्रकार से आपको यह जो चैनल है ऐसे जो अनदेखे अनगिनत जो स्थल है वह आपके सामने रखने की कोशिश करता है। आप देखिए आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इस स्मारक का जो मलबा है वह बिखरा हुआ दिखाई देगा और ये सारे के सारे पुख्ता सबूत है जो हम चीख चिल्ला कर कहते हैं कि ये जो देश है ये भगवान बुद्ध का देश है या फिर यह बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ ये देश है उसके ये पुख्ता सबूत है जो आज अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत ही मेहनत से आपके सामने लाई जाती है यह ज़्यादा लोग देख सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।